है ना, किस क्यों ग्रीन हो जाते हैं, क्योंकि वो किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। और ऐसे ही सिल्वर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ब्लैक होने लगते हैं, ठीक है। ये ब्लैक क्यों होने लगते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कोरोजन क्या होता है, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये है, ये पूरा कोरोजन का ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरी चीज़ें जो हैं वो कोरोजन की ही हैं। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, रिएक्शन विथ एसिड। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, सॉल्ट। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। मेटल का जब हम रिएक्शन करते हैं, किसी भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं, तो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। सॉल्ट आर कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन एन एसिड। सॉल्ट क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि जब भी हम मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाला बना हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है Zn+H2SO4। एक मिनट, देखिए लिखा हुआ है Zn+H2SO4, ठीक है। जब रिएक्ट करता है तो एक्चुअल में होता क्या है, ये H2SO4 जो होता है वो क्या होता है, H2+SO4 होता है, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है H2SO4। तो Zn क्या करता है, जो मेटल, कोई भी मेटल होगा तो वो क्या करेगा, एसिड में से इस H2 को हटा देगा, इस H2 को हटा देता है और किसके साथ रिएक्ट करता है, जो दूसरा कंपाउंड है सल्फेट जैसे यहाँ पर है, तो जिंक जो है वो किसके साथ रिएक्ट, Zn मतलब जिंक होता है, ठीक है। जिंक जो है वो क्या करेगा, H2 को हटा के उसकी जगह में आ जाएगा और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में? तो जब भी मेटल का रिएक्शन होगा एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेटल उसकी जगह में आ जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम का देख लेते हैं, ठीक है। ये Mg, ठीक है, +H2SO4, ठीक है, या फिर H2SO4 ना देखकर अगर हम मान लीजिए कोई दूसरा ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये MgCl2 बन जाएगा और H2 जो है वो अलग हो जाएगा। मतलब इस बार HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह में आ गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो जब भी मेटल का रिएक्शन होगा किसी भी एसिड के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट। ये जो बन रहा है ना MgCl2, या फिर अब इसके पहले हमने देखा Zn SO4, ये सब क्या है, सॉल्ट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो दिया हुआ है AlCl3 है ना, जो नेक्स्ट रिएक्शन में इसमें दिया हुआ है, ये भी क्या है, एक सॉल्ट है। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं एसिड के साथ। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स की अगर बात की जाए तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद बेसिस। एसिड्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेसिस, ठीक है। बेसिस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस के साथ, ठीक है। कुछ ही हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्ट करेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। ये एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको अगर हम लोग जब भी क्लास में मिलेंगे तो आप लोग मुझे याद कराइएगा, मैं आपको क्लास में ये परफॉर्म करके दिखाऊंगी, ठीक है, अगर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होगा तो, ठीक है। फिर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स की रिएक्शंस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रहती हैं, जिनको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेटल्स जो है वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिस के साथ बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, करते भी हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, और उसमें क्या बनता है, मेटल अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। सॉरी, मेटल का कंपाउंड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है।